Good afternoon, friends. Welcome to our YouTube channel JSM IIT and Medical Hub. और आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वैंट हॉफ इक्वेशन के ऊपर के न्यूमेरिकल्स, उसमें से हम पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 30 ऑफ क्लास वर्क। आप सबको वैंट हॉफ इक्वेशन बड़ा अच्छे से पता है, क्या है वैंट हॉफ इक्वेशन? पाई इंटू वी इज इक्वल टू एन आर टी, दिस इज विच इक्वेशन? वैंट हॉफ इक्वेशन। अब इस वैंट हॉफ इक्वेशन के ऊपर का एक न्यूमेरिकल नंबर 30 है जो आज हम देखेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 30, फर्स्ट वी राइट डाउन द न्यूमेरिकल। अ सॉल्यूशन हैज ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूशन हैज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर 3.9 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सॉल्यूशन हैज ऑस्मोटिक प्रेशर 3.9 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट 300 केल्विन। टेम्परेचर है 300 केल्विन, एट 300 केल्विन टेम्परेचर, एट 300 केल्विन टेम्परेचर। कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सोल्यूट, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम कंटेनिंग, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम कंटेनिंग, कंटेनिंग 1 मोल, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सोल्यूट, 1 मोल ऑफ सोल्यूट, 1 मोल ऑफ सोल्यूट, 1 मोल ऑफ सोल्यूट। इफ सोल्यूशन ऑफ सेम सोल्यूट, इफ सोल्यूशन ऑफ सेम सोल्यूट, सोल्यूशन ऑफ सेम सोल्यूट हैज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, हैज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2.82 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड कंटेन, एंड कंटेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट, एंड कंटेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट, एंड कंटेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज 10.5 m³। ये हमें पूरा न्यूमेरिकल दिया है, न्यूमेरिकल नंबर 30 मैं सॉल्व करके दे रहा हूं। तो अभी हमें इसको अच्छे से सॉल्व करना है। अब इसको अच्छे से सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? गिवन डाटा। सो वी फर्स्ट राइट द गिवन डाटा ऑफ दिस न्यूमेरिकल। सबसे पहले आपको दिया है सॉल्यूशन, आई एम राइटिंग दिस गिवन डाटा हियर। आप अच्छे से न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे और गिवन डाटा लिखेंगे। क्या दिया है? सॉल्यूशन हैज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 3.9। एक सॉल्यूशन है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है, सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिनोटेड बाय पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर डिनोटेड बाय पाई। कितना है? 3.9 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर है सॉल्यूशन का। उसके बाद क्या दिया है? एट 300 केल्विन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कितना था? 300 केल्विन। कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, तो इस सॉल्यूशन का क्या निकालना है आपको? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज डिनोटेड बाय वी। तो आपको इस सॉल्यूशन का क्या निकालना है? वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको निकालना है। कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने दिए? 1 मोल ऑफ सोल्यूट हैज, ठीक है, इट्स वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सोल्यूट। यहां तक समझ गया? इफ द सॉल्यूशन ऑफ सेम सोल्यूट, अब दूसरा सॉल्यूशन वहां पे शुरू हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ सेम सोल्यूट, ठीक है, सेम सोल्यूट का भी वहां पे क्या है? सॉल्यूशन। तो नाउ इट इज द सॉल्यूशन 1, ठीक है, यहां से दूसरा सॉल्यूशन शुरू हुआ है, यहां से
इफ द सॉल्यूशन ऑफ सेम सॉल्यूट, सॉल्यूट सेम है, हैज ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये दूसरे का ऑस्मोटिक प्रेशर है, सो मैं इसको पाई टू से डिनोट करता है, इसको पाई वन से, पाई टू की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है 2.82 इंटू 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेकंड सॉल्यूशन, इट इज 2.82 इंटू 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड कंटेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट, इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है 1, ठीक है, इज 10.5 और इसका वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ दिस सोल्यूशन इज 10.5 मीटर क्यूब, जिसको मैं V2 कहूंगा और पहले वाले के वॉल्यूम को कहूंगा V1 जो आपको निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दोनों के सेम है, टेम्परेचर दूसरे का दिया नहीं है, मतलब इसका भी टेम्परेचर कितना होगा 300 केल्विन, हो गया, दिस इज द गिवन डाटा फॉर दिस सोल्यूशन। अब एज इट इज द गिवन डाटा फॉर दिस सोल्यूशन, अभी हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, हमें V1 मतलब पहले सोल्यूशन का क्या निकालना है, वॉल्यूम, एंड इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन, टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन, अभी हम इसको सॉल्व करते न्यूमेरिकल को। सो हाउ टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, वी सी हियर, यू ऑल नो वेरी वेल, ये हो गया सोल्यूशन अभी इसका, बाय विच इक्वेशन, वैंट हॉफ इक्वेशन, बाय वैंट हॉफ इक्वेशन, बोलिए वैंट हॉफ इक्वेशन क्या होगा, वैंट हॉफ इक्वेशन से आप सबको पता है, बाय दिस वैंट हॉफ इक्वेशन व्हाट वी हैव, पाई इंटू वी इज इक्वल्स टू एन आर टी फॉर फर्स्ट सोल्यूशन, फॉर फर्स्ट सोल्यूशन इक्वेशन आएगा पाई वन वी वन, नंबर ऑफ मोल्स दोनों के सेम है इसलिए एन से ही रिप्रेजेंट कर रहा, आर इज अ आइडियल गैस कॉन्स्टेंट जो सबके लिए कॉन्स्टेंट रहेगा इसलिए उसको आर से ही डिनोट करेंगे, एंड टी इज द टेम्परेचर वो भी दोनों के लिए सेम है और इसलिए फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए इक्वेशन आएगा पाई वन इंटू वी वन इज इक्वल्स टू एन वन आर टी और सेकंड सॉल्यूशन के लिए, सेकंड सॉल्यूशन के लिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा इट विल बी अ पाई टू, वॉल्यूम जो रहेगा वो है वी टू, ऑस्मोटिक प्रेशर इज पाई टू एंड वॉल्यूम इज वी टू फॉर द सेकंड सॉल्यूशन, अभी यहां पे सेकंड सॉल्यूशन के लिए वॉल्यूम वी टू ऑस्मोटिक प्रेशर पाई टू, नंबर ऑफ मोल्स दोनों के सेम थे इसलिए एन से ही रिप्रेजेंट करता आर और टी कॉन्स्टेंट है। फ्रॉम दिस टू इक्वेशन आई से इट इज इक्वेशन वन एंड इट इज इक्वेशन टू, अब ये जो दो इक्वेशन है इन दो इक्वेशन से एक बात हमें यहां पे मिली है कि पाई वन इंटू वी वन इज इक्वल टू पाई टू इंटू वी टू, ठीक है, पाई वन इंटू वी वन इज इक्वल टू पाई टू इंटू वी टू, पाई वन इंटू वी वन इज इक्वल टू पाई टू इंटू वी टू, ठीक है, क्या क्योंकि इनकी कौन सी साइड, राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम रहेंगी, अभी हमें वैल्यू निकालनी है V1 की, सो फ्रॉम दिस वी कैन हैव V1 इज इक्वल टू पाई टू इंटू वी टू अपॉन पाई वन, वी गेट हियर वैल्यू V1 इज इक्वल टू पाई टू इंटू वी टू अपॉन पाई वन, सो वी गेट दिस वैल्यू ऑफ V1 इज इक्वल टू पाई टू इंटू वी टू अपॉन पाई वन, अब हमारे पास पाई टू की वैल्यू यहाँ पे है, आप देखेंगे कहाँ पे है पाई टू की वैल्यू, वी हैव द वैल्यू ऑफ पाई टू कितनी है 2.82 इंटू 10^5, नेक्स्ट पाई टू इंटू वी टू की वैल्यू है 10.5, इसका यूनिट था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू V2 की वैल्यू है 10.5 मीटर क्यूब, 10.5 मीटर क्यूब, ठीक है, V2 की वैल्यू है 10.5 मीटर क्यूब, अब हमारे पास ये दो हो गया, एक हो गया पाई टू दूसरा हो गया V2, उसके बाद पाई वन की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 3.9 इंटू 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैंसल, 10^5 कैंसल, इसका कैलकुलेशंस कर लेना ये लगभग
3.9 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4 का इधर कितने से जाएगा, 7 से, 7 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 हो जाएगा, 5 कैरी 3, 7, 70 प्लस 3, 73.5 से थोड़ा ज्यादा आंसर यहाँ पे आएगा. सो इट्स आंसर इज 75.9 मीटर क्यूब, 75.9 मीटर क्यूब ये यहाँ पे क्या आएगा आंसर. ठीक है, तो 75.9 मीटर क्यूब, आप ये छोटा सा कैलकुलेशन है, ये छोटा सा कैलकुलेशन कर लेना. और इस तरह हमारे जो टॉपिक था वैंट हॉफ इक्वेशन के ऊपर के न्यूमेरिकल, तो ये सब न्यूमेरिकल हमारे हो गए हैं. 35 नंबर का न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे और अभी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के न्यूमेरिकल चालू करेंगे जिसका नाम है वैंट हॉफ फैक्टर विच इज डिनोटेड बाय आई. ठीक है, थैंक यू सो मच.